स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओ जानकी जल्दी दरवाजा खोलो, मैं सुपर्णा जगदीश हरे आ रही हूँ। खुला तो है दरवाजा। अरे सुपर्णा, बड़े दिनों बाद दिखाई दी। कहाँ रहती हो आजकल? तुम तो ईद का चांद हो गई हो। ओहो जानकी, सारी बातें यही करोगी, बैठने को नहीं कहोगी तो? क्यों नहीं, आओ तुम यहाँ आराम से बैठो और सुनाओ क्या चल रहा है। ओह जानकी, क्या बताऊं तुम्हें तो पता ही है मेरी पेज 3 पार्टीज, किट्टी पार्टीज वगैरह वगैरह, टाइम ही नहीं लगता। क्या बात, तुम पूजा कर रही थी? सॉरी डिस्टर्ब किया। अरे पूजा का क्या है, छोड़ो फिर कभी कर लूंगी। भगवान बड़े दयालु हैं, छोटी मोटी बातों की तो चिंता ही नहीं करते। और सुनाओ क्या पियोगी? ओ जानकी, तुम क्यों फॉर्मेलिटीज में पड़ती हो? वैसे भी मेरा मूड नहीं है, और तुम क्या पिला सकती हो मुझे? चलो छोड़ो। कोई मिर्च मसाले वाली बात तो सुना दो। हाँ मिर्च मसाले से याद आया, मेरे घर में तो मिर्च मसाला मुक्या पिया। कपूर साहब को बोलती हूँ आते हुए ले आएंगे। तुम तो कोई चटपटी सी खबर सुना दो। ऑफ कोर्स जानकी, तुम्हें नहीं सुनाऊंगी तो मैं और किसको सुनाऊंगी? हाँ। तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। देखो ना, यहाँ जो सब बैठे हैं सोचते हैं मैं बहुत पोस्ट करती हूँ, तुम ही बताओ। आदत से मजबूर हो भैया, तुम ही चुप करो। तुम ही बताओ, ये सब सोचते हैं पोस्ट करती हूँ क्या मैं? देखो ना जानकी। ओहो पता है, पंखे पर बड़ी धूल जमी है। कपूर साहब को बोलती हूँ इस संडे तुम्हारी सीढ़ी लेके सारी साफ कर देंगे। ओ जानकी, तुम्हें क्या बताऊं, तुम क्यों नहीं देख रही मेरी डायमंड रिंग? हाय डायमंड रिंग, यस डियर माय डायमंड रिंग। आए जान सुपर्णा, तेरी डायमंड रिंग देख के ना मेरा नाचने का मन कर रहा है। सुपर्णा हाँ। मुझे बताओ, मुझे ये रिंग कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कुछ तो बताओ। जानकी तुम क्यों फिकर करती हो, जैसे मुझे मिली वैसे तुम्हें भी मिल जाएगी। मुझे ये सिंगला साहब ने एनिवर्सरी पे दिया है। मुझे कैसे मिलेगी? तुम्हें भी मिल जाएगी, सोचो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। जानकी तुम चौकसी महाराज को क्यों नहीं मिल देती? उनके पास जरूर कोई उपाय निकल आएगा। एंड जल्दी तुम्हारे हाथ में भी होगी ऐसी डायमंड रिंग। ये डायमंड ने तो मुझे पगला ही दिया है। देखो ना, आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है, यू नो माय फेवरेट फ्रेंड्स अनु, रितिका, रितु वगैरह वगैरह, और संडे को भी एक पार्टी रखी है छोटी सी, दैट चाट पकौड़ी टाइप। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुमने ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। हाँ। सोच रही हूँ तुम्हें बुला लूं। हाँ। तुम जरूर आना सुपर्णा जानकी। देखो ना डायमंड इज कमिंग ऑन माय हेड। तुम कपूर साहब को भी ले आना, ठीक है? हाँ। मिलते हैं जानकी, बाय डियर, बाय जानकी, तुम जरूर आना। ओके
गई, कितनी कोट कोट के हिंदी बोलती है। हो हे भगवान, मेरी तो पूजा भी बीच में ही रह गई। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जो ध्यावे हीरा पावे, जो ध्यावे हीरा। ओहो, ये मुझे क्या हो गया, जो ध्यावे हीरा पावे, मुझे हीरा बिना नहीं चाहिए, मैंने हीरे का क्या करना है, सब कुछ तो है मेरे पास, अच्छा पति अच्छा घर इन पत्थरों में क्या रखा है। हीरा तो हीरा ही है जानकी। हाँ, हीरा चाहिए, मुझे भी हीरा चाहिए, क्या करूं। हाँ, सुपर्णा ने बोला था महाराज जी से पूछ लो, वो ही कोई उपाय बताएंगे। हाँ, उन्हीं को फोन कर लेती हूँ। पहले सेब खाऊं कि फोन करूं, फोन ही कर लेती हूँ। हेलो, चॉक्सी हियर। ये 9814022 है। यू मैं महाराज जी जानकी कपूर बोल रही हूँ। नमस्कार नमस्कार जानकी देवी, हम चॉक्सी महाराज बोल रहे हैं, क्या कष्ट है। महाराज जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मैंने ना आपसे परामर्श करना है। अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो, हम ऊपर वाले फ्लोर पे सुपर्णा के यहाँ थे, लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, लिफ्ट दबाकर ऊपर आ जाते हैं। भगवान आप तो ना सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, मैं तो आपकी ना सेविका हूँ। वो सुपर्णा वो तो मंदिर भी नहीं जाती, वो तो आपकी पूजा भी नहीं करती। पहले फल खा लूं, कहीं महाराज जी आने वाले तो नहीं। महाराज जी नहीं आए। वो क्या फल है कटे हुए जी महाराज? तो वो प्रसाद हो गए, ले आओ पुत्री ले आओ। भैया राम राम राम। अरे लाओ ना भाई। हाँ अच्छा, देखो जानकी नीचे बैठ जाओ, नीचे नीचे आ जाओ ना इधर भाई। आ रही हूँ महाराज, आ रही हूँ। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि देखो मैं जहाँ जहाँ इन लोगों के पास जाता हूँ, कोई घी में कोई कुछ कुछ खिला देता है, हैं? मुझे डॉक्टर सुधीर वर्मा के पास जाना पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, हैं? अब मैं फल खा रहा हूँ तो मुझे दवाई लेनी नहीं पड़ेगी, इन डॉक्टरों से भी छुटकारा हो जाएगा। मुझे बताओ तुमने क्यों याद किया। महाराज जी ये लीजिए मेरी जन्म पत्री, और ना पढ़ के बताइए कि मेरा भाग्य कैसा है। भट्टा बैठ गया क्या महाराज? नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा भाग्य अच्छा है, क्योंकि देखो भाई इधर पड़े हैं कटे हुए फल और ये गए तो अच्छा ही हो गया, हम अच्छा कर देंगे। बताओ तुम्हें क्या चिंता सता रही है। चिंता महाराज जी, मैं इस भाग्य की बात नहीं कर रही। हाँ। मैं तो इस अरे ये क्या कर दिया, ये अश्लील भाव है भाई, ये महाराजाओं टाइप के लोगों को नहीं दिखाया जाता। नहीं नहीं, तुम कुछ और बोलो बेटी। हाँ महाराज जी। अरे मैं तो आपको अपनी खाली उंगली दिखा रही हूँ। हाँ, फिर मैं क्या करूँ? इसमें हीरे की अंगूठी कब आएगी? हाँ। कैसे आएगी? आपको पता है वो सुपन्ना, उसको सिंगला साहब ने हीरे की अंगूठी दी है। अरे अरे बेटी किसकी बात कर ली, ये जो सिंगला साहब है ना स्मार्ट स्मार्ट मूछ वाले हैं, इनका क्या है, ये जिनके पीछे सिंगला विंगला मांगला शांगला गुप्ता गुप्ता गर्ग अग्रवाल ये तो कुछ भी ला सकते हैं। बेटी तुम्हारा पति तो कपूर है, उसका कुछ नहीं, वो तो इनसे दूर है, वो नहीं ला सकता। अरे वो तो कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर है, उनके तो खाते खाली है बेटी, ना कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। महाराज जी, आप तो सबकी मुश्किलों का उपाय करते हो। अच्छा मुझे मेरी नहीं भी मुश्किल का उपाय करो। करता हूँ करता हूँ, चलो ऐसे करते हैं, हम दोनों ना एक ये ले, ये एक तू सेब ले, एक मैं ले लेता हूँ, हम घूम घूम के उपाय सोचते हैं, घूम घूम। आया आहा
चलो मुझे भूख बहुत लगी थी, सेब तो खाने को मिल गया। ऐसे कर बेटी, एक चांदी की थाली, हाँ कुमकुम और लाल धागा, जा कुछ फल लेकर आ, और अगर 1,000 रुपए का नोट है वो भी लेकर आ। जी महाराज। महाराज जी, चांदी की थाली तो है नहीं। फिर कौन सी है? पीतल की है। चल पीतल की लेके आ, जा। अरे जी महाराज जी। अरे वाह, ये हमारी हुई सारी, ये तुम्हारी हुई और ये भी तुम्हारा हुआ। अरे तुम्हारी कलाई बड़ी भारी है भाई, भाड़ा जाएगा। ये लो, और ये भी हमारा हुआ, ये हम बाद में ले जाएंगे। अब तुम्हारा उपाय हो गया, कल्याण हो गया, तुम्हारी जिंदगी का भट नहीं, सब कुछ हो गया। अच्छा जा, हम बताते हैं, तुम घबराओ मत। कोई बात तो बता दो। अच्छा मैं जरा गाना गा के बताता हूँ। हम छड़े वक्त को पड़े, तुम्हारे लिए सूझा एक उपाय मोटोनी। अरे बस गई हमारे दिल में हिरन व्रत की फोटोनी। मैं पम्मी भाई से शायद थोड़ा सा कम गा लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारा इलाज है हिरन व्रत। हिरन व्रत? हिरन व्रत हाँ। वो क्या है? अरे वो मैंने बनाया है बेटी, देखो सीता मैया, जब बैठ के बैठ के हाँ, हाँ। जब सीता मैया की बात आ जाए तो बैठ के सुनो आंखें बंद करके। सीता मैया ने एक दिन गोल्डन हिरन देखा जंगल में। उन्होंने महाराज रामचंद्र जी से कहा, महाराज स्वामी मुझे ये गोल्डन हिरन चाहिए। तो महाराज उसके पीछे निकल गए, अगर वो ले आते तो इतना झंझट ना होता, उनको बंदरों की सहायता ना लेनी पड़ती, महाराज हनुमान को अपनी पूछ ना जलानी पड़ती और उन्हें श्रीलंका ना जाना पड़ता। समझ गई ना? आंखें खोलूं महाराज? अरे खोल ले अब। हाँ। मेरी बात सुन। हाँ। अगर तू चाहती है कि तेरा पति किधर इधर उधर ना देखे, इधर उधर हाँ, और जंगलों में ना भटके, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर आता रहे, तो ये व्रत तेरे लिए बिल्कुल ठीक है, तू ये व्रत रख ले। महाराज जी हाँ? मुझे हिरन का क्या करना है? हाँ? मुझे तो हीरा चाहिए। अरे हीरा भी मिल जाएगा, अब तो हिरन मिलते नहीं बेटी, जंगलों में भी खत्म हो गए, और चिड़ियाघर में तेरा पति पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो उसको कहना हमने एक और उपाय बताया है, अगर हिरन ना मिले तो हिरन अर्थात हीरा। हीरा? हाँ, तुम्हारा इलाज हो गया, तुम्हारा उपाय हो गया, तुम्हारा कष्ट का निवारण हो गया। अरे बजा दो ना यार ताली। आजा आज हम जरा पसीना आ रहा है, देख थक गया यार, आजा जरा हम थोड़ा डांस करते हैं, ये लोग थोड़े से ना ए पटियाला वाले हैं, इनको थोड़ा सा मूड बनाते हैं इनका। हाँ मेरे को भी बनना है। चल ऐसे कैसे कर, ऐसे ऐसे हवा के साथ साथ घटा के संग संग, वो साथी चल मिठली के साथ चल, यूं ही दिन रात चल, संभल मेरे साथ चल, ले हाथों में हाथ चल, खाली मेरी हुई बेटी। भूख लगी है, थोड़े से फल ही खा लेती हूँ। हाँ।